अगले सवाल, राजमहल सीट का बरहेट विधानसभा, जहां कुदरत की दी हुई असीम नेमतें हैं। बरहेट से ही नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन विधायक हैं, जबकि बरहेट के ही वीर सपूत सिद्धो कानू थे, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था। इतने समृद्ध विरासत और वर्तमान को समेटे बरहेट की सियासी पड़ताल देखिए आप। राजमहल लोकसभा सीट जो अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति की गोद में राजमहल का पूरा इलाका पसरा हुआ है। इन्हीं में से एक है बरहेट विधानसभा। तस्वीरें बरहेट विधानसभा के भोगना डीह की है। यह वही विधानसभा है जहां से नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन विधायक हैं। इसे आप हेमंत सोरेन का गढ़ भी कह सकते हैं। यहाँ के लोग अपने सांसद यानी जेएमएम के मौजूदा प्रत्याशी विजय हांसदा से नाखुश हैं, लेकिन हेमंत सोरेन के नाम पर फिर से वोट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हवा जेएमएम का है और हमेशा से ही जेएमएम का पल्ला भारी रहा है। मोदी का काम तो बहुत गड़बड़ है, क्या कि 5 साल में वो बर्बाद करके चुके हैं। और हम लोग को तो राहुल गांधी जैसे पहले चला रहे थे उसी तरह चलना चाहिए और उसको सरकार बनाएंगे। मोदी को हम लोग बदलना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जो 5 साल में जितना जातिवादी हुआ, आज से 25 साल पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मोदी सरकार के काम से संतुष्टि है, मतलब मोदी सरकार बहुत अच्छे है। हम लोग का हेमंत सोरेन पसंद नहीं है। क्यों? ऐसे हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में अभी भी स्कूल, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य की बुनियादी समस्याएं बरकरार हैं। ऐसे में बरहेट के कुछ इलाकों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। लोकसभा 2019 के अंतिम चरण का चुनाव होना है और ऐसे में एक सीट राजमहल की है। राजमहल संथाल के अंतर आता है और संथाल जेएमएम का गढ़ माना जाता है। वहीं अगर बीजेपी को संथाल फतह करना है तो जेएमएम के गढ़ में घुसकर यानी बरहेट में किला फतह करना पड़ेगा। मतलब हम लोग बदलाव चाहते हैं, प्रधानमंत्री का बदलाव चाहते हैं। बहुत विकास हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? बहुत पुल हुआ है, रोड हुआ है, कुआं हुआ है, इंदिरा आवास हुआ है। बीजेपी रहने से हम लोग को थोड़ा सा शांति बुझाता है। बरहेट विधानसभा काफी खास है। खास इसलिए भी है कि इसी विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडी गांव से चुन्नी मांझी का संतान सिद्धो कान्हो चांद और भैरव ने संथाल हूल का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी समाज को गोलबंद कर शोषण के खिलाफ विरोध किया। संथाल हूल का नेतृत्व भोगनाडी निवासी चुन्नी मांझी के 4 पुत्रों ने किया था। ये थे सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। जी मीडिया की टीम आज इसी भोगनाडी गांव में है जहां से सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और आदिवासी समाज को गोलबंद कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जिस सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव पर पूरा झारखंड गर्व करता है, आज भी उस महान योद्धा के वंशज उपेक्षित हैं। इसमें प्रॉफिट करने के लिए कि सिद्धू कानू के अंचर में इतना आदमी आते हुए प्रक्षित उसका नहीं दिखे आजकल। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है, हम लोग बस ऐसे चापाकल ऐसे तो है। बरहेट के पूरे इलाके पर भले ही कुदरत की दी हुई असीम नेमतें हैं, लेकिन बरहेट में विकास मानो बरसों पहले ही थम गई हो। एक बार फिर यहां चुनाव है, सियासी वादों दावों से लुभाने की कोशिश की जा रही है। साहिबगंज से कामरान, सौरभ और पंकज की रिपोर्ट, जी मीडिया।